पहले तो मैं वाकई शगुन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और कहूँगी वेरी वेल डन। मैं खुद बड़ी बहुत बड़ी फैन हूँ बैग्स की, अनीता की भी फैन हूँ लेकिन बैग्स की भी फैन हूँ। बैग्स जमा करने का मुझे बहुत शौक है, दो तीन चीज़ें जमा करने का शौक है, शूज़, बैग्स एंड स्टेशनरी। सो दिस इवेंट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी और ज़ाहिर है कि अनीता की चॉइस बहुत अच्छी है, तो दुनिया भर से हमें अच्छे अच्छे बैग्स यहाँ बैठे बिठाए मिल जाएंगे और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ग्लैड एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, मैं 3 साल से बनवास काट रही थी, पूरी फैमिली मेरी इंग्लैंड में थी और एक था ने मुझे यहाँ पर बनवास काटने पर मजबूर किया हुआ है, ये है इनकी मोहब्बतें, लेकिन अब मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया था, तो मैंने ये जो असल भल्ला जी हैं इनसे कहा कि या आप आ जाइए या मुझे ले जाइए। तो बहरहाल ये सब कुछ वाइंड अप करके लंदन से आ गए हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अब ये मेरे पास रहेगी जब तक मैं यहाँ रहूँगी। आई एम सो ग्लैड, इट्स अ वेरी ग्रेट डे फॉर मी। एक्चुअली सामान इतना ज़्यादा लेते तो उसमें स्टोर करने के लिए बहुत सारे बैग चाहिए एंड एक्चुअली मेरे घर में एक सेपरेट कलेक्शन है बैग्स का एंड अब और बड़ा कलेक्शन आने वाला है। एक्चुअली जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा मतलब कोई नहीं होता तो हाँ ये लगता है कि यार एक बैग तो ज़रूर होना चाहिए साथ में, तो अब वो बैग की जो कमी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमारे घर में ही एक बैग की शोरूम हमारा स्टॉक खुल गया है, तो हम जब चाहे अनीता दीदी को कॉल कर सकते हैं दीदी ये वाला बैग चाहिए, ये बैग पसंद आ गया तो हमें ये वाला बैग चाहिए, तो हम अपने अपने जो रूटीन है जो हमारा खड़े रहना देखो भाई जो रूल है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा।